हल्द्वानी से लापरवाही का बड़ा मामला आया सामने। पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रीजर में रखे शव सड़ने लगे। मामला तब खुला जब बीते रविवार को शनाख्त के लिए पहुंचे मृतकों के परिजनों को दुर्गंध आई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बमुश्किल उन्हें समझा बुझा कर शांत किया गया। मामला मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी तक पहुंचा तो उन्होंने संबंधित को फटकार लगाई। इसके बाद प्रशासन ने भी मामले की सुध ली है। दरअसल आपको बता दें, जिन शवों की शनाख्त नहीं हो पाती उन्हें सुरक्षित रखने के लिए पोस्टमार्टम हाउस के डीप फ्रीजर में रखा जाता है। 72 घंटे बाद भी यदि शनाख्त नहीं होती तो नियमतः शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। इधर बरसात के सीजन में लगातार कई घंटे बिजली गुल रहती है, बावजूद इसके पोस्टमार्टम हाउस के जनरेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे डीप फ्रीजर में रखे शव भी सड़ने लगे हैं। पोस्टमार्टम के दौरान जब चिकित्सक फोन करते हैं तब जनरेटर चलाया जाता है। सोमवार को जब पोस्टमार्टम के दौरान भी जनरेटर नहीं चला तो फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के ऑफिस इंचार्ज प्रताप सिंह बोरा ने जनरेटर चलाने वाले कर्मचारी को फोन किया। बोरा ने बताया कि कर्मचारी ने पहले तो डीजल न होने का बहाना बनाया, फिर वह अभद्रता पर उतर आया। इसके बाद प्राचार्य से शिकायत की गई, तब जाकर जनरेटर चलाया गया। इधर अब इस मामले को लेकर प्रशासन द्वारा पड़ताल की गई तो कड़ी फटकार लगाई गई है और नियमित रूप से जनरेटर चलाने को कहा गया है। देखिए हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। नहीं, अभी एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है, इसमें बताया गया है कि जनरेटर ना चलाने के कारण फ्रीजर काम नहीं कर रहा था, इसके कारण बदबू आ रही थी, उसको संज्ञान लिया गया है और यह बिल्कुल गलत बताया जा रहा है कि डीजल नहीं दिया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल गलत है और कोई भी किसी संसाधन की कमी नहीं है। यदि किसी की लापरवाही से मांग नहीं की जाती है या जनरेटर नहीं चलाया जाता है जिसकी वजह से कुछ समस्या होती है तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार है और मेरे संज्ञान में ऐसा कोई भी डिमांड मॉन्सून डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है जो किसी भी स्तर पर लंबित हो, और अगर अपने कार्यों पर ध्यान न देकर उनको ऐसे टाला जा रहा है तो उनके खिलाफ जो भी सक्षम स्तर से कार्रवाई होगी वो की जाएगी।